अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर रेड्डी खान और आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क और डकी भाई के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलन मस्क के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एलन मस्क और फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग की आपस में एक अनाकी जंग छिड़ी हुई है और उस जंग में जीतेगा कौन, ये तो फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन एलन मस्क ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने एक ऐसा सरप्राइज दिया है अपने क्रिएटर्स को, जो कि ट्विटर के क्रिएटर्स के लिए एक शानदार ऐलान था। वो ऐलान ये था कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि हम ट्विटर पर एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं आज से, और इसी महीने के आखिर पर ये काम शुरू कर देंगे। और इसकी हमारी जो मेन कोशिश है वो ये है कि जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं ट्विटर पर, उनको एक रोजी कमाने का जरिया दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक मोटिवेशन लाइन लिखी और कहा कि जाओ और अपने लिए कुछ अच्छा करो। और जो इसकी मेन बात है वो ये है कि क्या ट्विटर पर कौन कौन से क्रिएटर्स को ये इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, कितने फॉलोअर्स चाहिए होंगी, कितना क्या वॉच टाइम भी होगा, इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। ये तो तब ही पता चलेगा जब ये एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम एलन मस्क शुरू करेगा। तो अब हम बात करते हैं डकी भाई के बारे में। आप सबको पता है कि थ्रेड्स जो कि ट्विटर का बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वो ट्विटर की टक्कर में आया है। तो देखते हैं कि उस ट्विटर को थ्रेड्स गिरा पाएगा या नहीं। इसके बारे में हर शख्स की अपनी अपनी एक राय है कि थ्रेड जो है वो ट्विटर को कभी नहीं गिरा पाएगा। तो डकी भाई की भी अपनी एक राय है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। डकी भाई ने ये किया, थ्रेड किया था थ्रेड्स के ऊपर कि जो थ्रेड्स है वो कभी भी ट्विटर को टेक ओवर नहीं कर पाएगा। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या थ्रेड्स जो है वो ट्विटर को गिरा पाएगा या नहीं गिरा पाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।